गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वही सभी लोगों को, जय हिंद। सारे के सारे लोग बेटा लाइव आ जाओ। जीदी जदौन गुड मॉर्निंग भाई, हाय कैसे हो। सारे के सारे लोग लाइव आ जाए बेटा, सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। एयरफोर्स लवर जय हिंद भाई, जय हिंद बेटा। सारे के सारे लोग लाइव आओ जल्दी से। सोनी कुमार जय हिंद, निखिल जय हिंद, दिगंत सिंह गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई। सभी लोगों को भाई मैसेज कर दो, क्लास शुरू हो चुकी है। जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं सभी को जगाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दीपू कुमार जय हिंद, गुड आफ्टरनून। चरण स्पर्श प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श प्रणाम भाई, कैसे हो, प्रणाम। सौरभ जय हिंद। सारे के सारे लोग दो मिनट का वेट करेंगे। सारे के सारे लोग बेटा एक बार सभी को, जितने भी हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, सारे के सारे लोग जो है लाइव आ जाओ। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, ठीक है ना, अपनी प्रेजेंट को जरूर लगाएं। अंकित नमस्ते, नमस्ते भाई अंकित। मनीष जय हिंद, अनुराग जय हिंद, अंकित यादव जय हिंद, सोनू। अच्छा इंग्लिश की क्लास सोनू छूटी नहीं, बस वेट करते हैं, दो मिनट छूट जाएगी जल्दी से। आज आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। संदीप सभी लोगों को बुलाओ बेटा जल्दी से, सारे के सारे लोगों को बुलाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम अगले महीने है ना, अभी तक तो नवंबर मान के चलो, टाइम नहीं बचा आपके पास अब बिल्कुल भी नहीं। अगर नवंबर फर्स्ट वीक में कम आपका एग्जाम होता है तो टाइम नहीं है फिर। सर माय नेम इज सूरज भरतवाल, जय हिंद। सूरज भरतवाल बट संतोष भरतवाल लिखा है सूरज आपने, तो आपके आईडी पे संतोष भरतवाल दिखा रहा है, आप बता रहे हो सूरज। विकास कुमार प्रणाम भाई, आओ बेटा जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। वन मिनट है आपके पास अब लास्ट, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। शायद इंग्लिश की क्लास छूट गई होगी बच्चे। राकेश कुमार जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग। राहुल जय हिंद। सारे के सारे लोग जल्दी से आइए भाई। अच्छा ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, जब तक और बच्चे आते हैं, शायद इंग्लिश की क्लास अभी छूटी नहीं है। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, घर में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। नितिन पवार जय हिंद। सर नया ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, आएगा बेटा जैसे आएगा वैसे ही बता देंगे आपको। आपको मैसेज आ जाएगा, अगर आप डीडी यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, टेलीग्राम को आपने सब्सक्राइब कर रखा है डीडीए का, तो आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अगर नहीं कर रखा है तो डीडीए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, उसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे उसमें। अंकित दिवाकर क्या है, बहुत बढ़िया अंकित दिवाकर, किसके लिए बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप। अंकित चलो आगे बढ़ते हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा करें स्टार्ट, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो करें स्टार्ट आज का जो टॉपिक रहेगा।
स्टार्ट करें। अच्छा, स्टडी की बात कर रहे हैं, अंकित दिवाकर स्टडी की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया बचा। सर अमन बोल रहा है, सर बस जीएस की स्टडी हो रही है, बाद बाकी क्यों नहीं? भाई अमन, बाकी क्यों क्यों नहीं हो रही है? केवल जीएस की स्टडी हो रही है, बाकी क्यों नहीं? सर आपके पास ऑफलाइन क्लास में मिलूंगा डीडीए में। हाँ बेटा, वेलकम है, वेलकम है आपका, जरूर मिलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेटा जो टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है ना? आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम होगा इंडियन फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है, इंडियन फेस्टिवल। जय हिंद राहुल, जय हिंद भाई। और यहां ध्यान दीजिएगा, जब हम टॉपिक कर लेंगे ना बच्चे, लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी करना है, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट तो डेली करना है, जब जब जीएस की क्लास होगी तब तक प्रैक्टिस सेट भी करना है हमें, ठीक है? तो अंत तक आपको जो है क्लास में बैठे रहना है, ऐसे नहीं कि बीच से ही भाग जाए इधर से उधर। कई चीज ऐसे होती है जो बीच क्लास में बताई जाती है, लिखवाई नहीं जाती है। हाँ हाँ अंकित यादव, अब तो खुलने वाला है, चिंता मत करो बेटा, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो वाई ग्रुप के लिए भी होगा, एसएसआर के लिए भी होगा, ठीक है ना? और एग्जाम जो भी होंगे सभी एग्जामों के लिए ये इंडियन जो फेस्टिवल है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन आता है। वैसे तो भारत के हर राज्य में, ठीक है ना, हर स्टेट्स में बहुत सारे फेस्टिवल है, उतना पॉसिबल नहीं लिखवाना, ठीक है ना? तो कुछ फेस्टिवल मैं यहां पर लाया हूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होंगे। कुछ इसके अलावा पीडीएफ में मिलेगा आपको, जो टीडीए टेलीग्राम, डीडीए टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां से भी आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा उसमें। बट जो आज मैं यहां पर बता रहा हूं, पहले आप उस चीज को क्लियर करें, ठीक है? क्लियर, हमारा भी नाम ले लो, ठीक है ना? आशीष भदौरिया ले लिया बेटा, खुश, ठीक है ना? नाम से सिलेक्शन नहीं होगा, काम से सिलेक्शन होगा बच्चा, ठीक है ना? आपका नाम ले लिया, ठीक है, आप खुश रहो। बट अब स्टार्ट करें। सर प्रैक्टिस सेट ऐप ऑफलाइन में भी कराते हो? हाँ मनीष, कराता हूं, प्रैक्टिस सेट तो कराता ही कराता हूं मैं। जो पुराने बच्चे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? आशीष भदौरिया मैंने ले लिया बेटा आपका नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भाई आपके सामने फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है फर्स्ट ऊपर आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश विद पिक्चर के साथ। मैंने आज कोशिश किया, पिक्चर से क्या होता है कि थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है बच्चे को पढ़ने के लिए, ठीक है ना? तो विद पिक्चर मैं दिखा रहा हूं कि कौन सा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे इस बात को। सबसे पहले लिखा हुआ यहां पर आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो फेस्टिवल है वो है ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये ब्रह्मा जी से संबंधित फेस्टिवल है, ठीक है ना? ब्रह्मा जी से संबंधित फेस्टिवल है, ठीक है, ब्रह्मा जी से संबंधित फेस्टिवल है। तिरुपति बालाजी के मंदिर का नाम सुना होगा, तो तिरुपति, ठीक है ना, ब्रह्मा जी के रूप से संबंधित है, तिरुपति मंदिर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना? जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि के अवसर पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। आपने देखा होगा, देख रहे होंगे कि औरतें जो है सर पे जो है घड़ा लेकर उस पर जो है जो भी ऊपर रखा हुआ है फूल वगैरह है ले जाके जो तिरुपति बालाजी के मंदिर से झांकियां निकलती है, ठीक है ना? तो ब्रह्मोत्सव याद रखेंगे कहां, आंध्र प्रदेश में। क्लियर हुई बात? हाँ अभिषेक, पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, उसकी चिंता ना करें आप। नितिन पवार, मैक्सिमम और मिनिमम का कोई रेशियो नहीं रहता बेटा, मैक्सिमम मिनिमम का कोई रेशियो नहीं है। मैक्सिमम बता दूं 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम है, मिनिमम का कोई रेशियो नहीं रहता है। क्लियर?
नेक्स्ट लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का ये लौसार उत्सव, अरुणाचल प्रदेश का जो ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लौसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये लौसार उत्सव तिब्बतियों का है, जहां जहां पर तिब्बती लोग रहेंगे, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड है लौसार उत्सव। ये न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं इसको, नए वर्ष के रूप में मनाते हैं, और कब मनाते हैं ये फरवरी में मनाते हैं इसको, फरवरी में, ठीक है ना। तो मेनली तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अदरवाइज असम में भी मनाते हैं इसको, सिक्किम में मनाते हैं, हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं, जहां जहां लद्दाख में मनाते हैं, जहां पर क्या है तिब्बती लोगों का बोलबाला ज्यादा है, जहां पर तिब्बती लोग रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये कहां का आपका फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लौसार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है बेटा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट यहां ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है बिहू, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है असम में, असम में चलता है बोग बिहू, असम में चलता है बोग बिहू, ठीक है ना। असम में कौन सा फेस्टिवल चलता है बेटा, बोग बिहू, ठीक है ना। ये कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बोग बिहू, ठीक है। और मैंने बताया था, परसों भी बताया था मैंने, कहा बिहू एक साल में कितनी बार, ठीक है ना, सेलिब्रेट होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो जरा, बिहू एक साल में कितनी बार सेलिब्रेट होता है, जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। आशीष भदौरिया, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ भाई, जो आप लिख रहे हो वो सही है। ये बताइए कि बिहू एक साल में कितनी बार सेलिब्रेट किया जाता है, मैं परसों भी बता चुका हूं इसको, जल्दी से। अमन दो, अमन कश्यप का आंसर दो है, अंकित अमित कुमार दो है, शिव चौधरी का आंसर भी दो है। नहीं भाई, जो दो वाले हैं वो गलत है, एक साल में जो है ये बिहू फेस्टिवल तीन बार मनाया जाता है, जनवरी हो गया, अक्टूबर हो गया और अप्रैल हो गया, ठीक है ना। जनवरी अक्टूबर अप्रैल तीन बार सेलिब्रेट होता है, एग्रीकल्चर से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ नीचे बिहार, बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, वैसे तो यूपी में भी चलता है, यूपी में भी चलता है और नेपाल साइड भी चलता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट कहां का है भाई, बिहार का, ठीक है ना। बिहार में ये छठ पूजा सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है बिहार का, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, यहां ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में चलता है बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा, छत्तीसगढ़ में है बस्तर दशहरा, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में चलता है बस्तर दशहरा, ठीक है। अब दशहरा क्यों मनाते हैं भाई, जरा कमेंट करो, दशहरा किसके लिए मनाया जाता है। हाँ, राजस्थान भी आएगा बेटा, चिंता मत करो अमित कुमार। अच्छा, राजस्थान में मनाते हैं, अच्छा पिछली की बात कर रहे हो आप, हाँ मनाते हैं, ठीक है। ये जो बस्तर दशहरा जो चलता है, बस्तर जो दशहरा चलता है कहां, छत्तीसगढ़ में, यहां याद रखेंगे ये कितने दिन तक चलता है, 75 डेज, 75 दिन तक चलता है ये बस्तर दशहरा, 75 दिन तक चलता है, और विश्व का सबसे लंबा त्योहार माना जाता है, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा त्योहार माना जाता है, रावण का दहन करने के लिए, ठीक है। तो दिख रहे होंगे सांप आपको पिक्चर में दिखा रखा है पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट गोवा में है, इंपॉर्टेंट है गोवा में कार्निवल फेस्टिवल, ठीक है, गोवा में चलता है कार्निवल फेस्टिवल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गोवा में चलता है कार्निवल फेस्टिवल, कब होता है ये, फरवरी में चलता है ये कार्निवल फेस्टिवल, फरवरी माह में चलता है,
फरवरी माह में एक टाइप से ये फेस्टिवल क्या है, इस फेस्टिवल में लोग डिफरेंट डिफरेंट के कार्टून हो गया, ठीक है ना, चाहे आपकी झांकियां हो गया, ठीक है, ये निकालते हैं गोवा में, ठीक है ना, ये देख रहे होंगे विभिन्न टाइप के जो अपने आप में मुखौटे पहन के निकल जाते हैं सड़कों पे, विभिन्न प्रकार की झांकियां निकालते हैं, तो इसी को ही कहा जाता है कार्निवल फेस्टिवल। कहां से रिलेटेड है, गोवा से। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्लियर हुई बात? आर्यन लेट हो गए, जय हिंद भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कार्निवल को याद रखेंगे, पीछे मैंने जो आपका असम वाला बताया को उसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है गुजरात में, तो आपको सबको पता ही है गुजरात में क्या चलती है भाई, जन्माष्टमी फेमस है गुजरात की, ठीक है ना, गुजरात की जन्माष्टमी फेमस है, गुजरात की जन्माष्टमी फेमस है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि फेमस त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, महाशिवरात्रि। यस, विक्ट्री ऑफ इविल, राहुल चौधरी बिल्कुल सही है, विक्ट्री ऑफ इविल। गुजरात में जन्माष्टमी है भाई, और हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि मुख्य त्यौहार है, ठीक है। ठीक है ना, इतने याद रखेंगे, गुजरात की शिवरात्रि महाशिव जन्माष्टमी और हिमाचल प्रदेश की महाशिवरात्रि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो भारत के हर राज्य में महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये त्यौहार गुजरात में चलता है। शिवरात्रि कहां का है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। हाँ, यूपी में भी है भाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है त्यौहार, तो शिवरात्रि तो सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन मेनली हम कहां की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर में एक त्यौहार मनाया जाता है ईद उल फतीर, ईद उल फतीर एंड ईद उल अज्जा, ईद उल फतीर एंड ईद उल अज्जा, ये दोनों जो त्यौहार है ये कहां मनाए जाएंगे, कहां सेलिब्रेट होते हैं, जम्मू कश्मीर में। ये पूरा जो है मस्जिद का एक नजारा है, और ये हमारे जो मोमडन भाई लोग हैं ये नवाज वगैरह कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और उसके नीचे कर्नाटक लिखा हुआ है, कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट है उगादी फेस्टिवल, ठीक है ना, कर्नाटक में लिखा हुआ है उगादी फेस्टिवल, ठीक है ना, उगादी फेस्टिवल, ठीक है। उगादी फेस्टिवल ये लगभग मार्च के आसपास मनाया जाता है, 20 मार्च या 25 मार्च के आसपास मनाया जाता है, ठीक है ना, जब नई फसल आती है, ठीक है ना, न्यू क्रॉप जो आती है, नई फसल आती है, उसका सेलिब्रेशन होता है उगादी फेस्टिवल में, ठीक है ना, उसका सेलिब्रेशन होता है उगादी फेस्टिवल में। क्लियर, उसका सेलिब्रेशन होता है उगादी फेस्टिवल में। और महाराष्ट्र में इस उगादी को क्या कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में उस उगादी को क्या कहा जाता है, गुड़ी पड़वा, ठीक है, गुड़ी पौड़ा, ठीक है ना, महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है, गुड़ी पड़वा, पड़वा है, इसको सही कर लें, महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है, गुड़ी पड़वा। क्लियर, गुड़ी पड़वा कहा जाता है महाराष्ट्र में, किसको, उगादी को, उगादी को गुड़ी पड़वा कहा जाता है, कहां, महाराष्ट्र में। क्लियर, तो उगादी फेस्टिवल जो है जब नई फसलों का आगमन होता है, नई फसलें आती है, उसको उसके उपलक्ष में मनाया जाता है, जिसको महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, गुड़ी पड़वा कहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे केरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का, केरल का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखेंगे केरल, ठीक है ना, केरल में मनाया जाता है क्या, ओणम, बहुत बार पूछा है ओणम, ठीक है ना, केरल में मनाया जाता है ओणम त्योहार, ठीक है ना, ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में,
कब मनाया जाता है? लगभग सितंबर में मनाया जाता है, सितंबर के आसपास इसको मनाया जाता है, ठीक है ना, सितंबर में मनाया जाता है। क्लियर? जब फसलों की कटाई होती है, जब फसलों की कटाई होती है, जब क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसी के उपलक्ष में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ओणम को, ठीक है ना, उसी के उपलक्ष में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ओणम को, ठीक है। और एक वहां पर केरल के अंदर एक महाबली राजा हुआ करती थी, महाबली किंग या महाबली राजा, ठीक है ना, महाबली राजा के रेस्पेक्ट में भी यह त्योहार मनाया जाने की परंपरा थी। महाबली राजा या किंग महाबली, ठीक है ना, किंग महाबली को रेस्पेक्ट देने के लिए ये ओणम त्योहार सेलिब्रेट होता था कहां? केरल में। और इसके साथ साथ जब फसलों की कटाई होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, तो उसको उसी उपलक्ष में इसको सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर में। किसको? ओणम को। ये यहां याद रखेंगे, विभिन्न टाइप की रंगोलियां बनाई जाती है, चावलों से रंगोलियां बनाई जाती है, याद रखेंगे इस चीज को आप। क्लियर? और नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार फेमस होता है, ठीक है ना, तो आपको पता है दिवाली मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है। वैसे तो पूरे भारत वर्ष में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में दीपावली का त्यौहार इंपॉर्टेंट माना जाता है, दिवाली और होली, लेकिन मध्य प्रदेश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्य फेस्टिवल है वो है दिवाली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक याद रखेंगे, केरल में एक और त्यौहार भी है, एक और फेस्टिवल भी है, याद रखेंगे, फेस्टिवल का नाम है विशु, ठीक है ना, विशु भी केरल में चलता है, विशु, याद रखेंगे इस चीज को, ये विशु भी बहुत फेमस है केरल के अंदर, ठीक है, विशु चलता है केरल में, विशु, ठीक है। तो केरल में एक त्यौहार और है विशु, तो याद रखेंगे इस चीज को, विशु और ओणम ये दोनों केरल के अंदर चलता है। थैंक यू रमन, थैंक यू बेटा, बस ऐसे ही पढ़ते रहे। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तो आपको पता है महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार फेमस है, गणेश चतुर्थी बहुत फेमस त्यौहार होता है, कहां? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी, ठीक है ना, गणेशोत्सव जो चलता है महाराष्ट्र में वो बहुत फेमस है। मेघालय, यहां लिखा हुआ है मेघालय, ठीक है ना, नोंगक्रम जो त्योहार है कहां मनाया जाता है? मेघालय में। एक बार पूछा गया था क्वेश्चन में, आया था, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, नोंगक्रम त्योहार जो कहां मनाया जाता है? मेघालय में। क्यों मनाया जाता है? जब फसल कैसी हो? अच्छी, ठीक है ना, अच्छी फसल का जब उत्पादन होता है तो उसी के सेलिब्रेशन, उसी का ही सेलिब्रेशन किया जाता है इस फेस्टिवल में। नोंगक्रम फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, ठीक है, नोंगक्रम फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट लिखा हुआ है मिजोरम। देखो, जो ईस्टर्न साइड के जो हमारे स्टेट है ना, जो ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न जितने भी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य, वहां के जो फेस्टिवल है, क्वेश्चन अधिकांश वहीं से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। जो पूर्वोत्तर राज्य है, यानी जो ईस्टर्न हमारी स्टेट है, ठीक है ना, तो वहां के जो फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट, जो भी फेस्टिवल होंगे, मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी यही होती है कि उन राज्यों के जो त्योहार होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम उनको थोड़ा कम पढ़ते हैं या इग्नोर कर लेते हैं, जबकि वो थोड़ा नाम उनके क्या है, अटपटे से होते हैं, डिफिकल्ट नेम होते हैं, लेकिन एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मिजोरम में लिखा हुआ है, मिजोरम में क्या लिखा हुआ है, मिजोरम है चपचारकूट। चपचारकूट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? मिजोरम के अंदर मनाया जाता है चपचारकूट। यस, एवरी ईयर मनाया जाता है बेटा, शिवम चौधरी, ठीक है ना। अमन कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अमन बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी बेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ो आप, ठीक है ना, ठीक है, बस आप पढ़ते रहे।
चपचारकूट जो है ये 6 मार्च को मनाया जाता है, 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च को ये मनाया जाता है जब वसंत ऋतु आती है। बसंत सबको पता है, बसंत के आगमन पर जो है ये जो है त्योहार मनाया जाता है, चपचारकूट त्योहार, ठीक है ना, चपचारकूट त्योहार। नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड हॉर्नविल, ये एग्जाम में आ चुका है, हॉर्नविल फेस्टिवल, ठीक है ना, कहां सेलिब्रेट होता है हॉर्नविल फेस्टिवल, सेलिब्रेट होता है कहां, नागालैंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्नविल, ठीक है ना, हॉर्नविल नागालैंड में है। और नागालैंड में ईसाई लोग ज्यादा रहते हैं, ईसाई जो है नागालैंड में ज्यादा रहते हैं। और ये कब सेलिब्रेट होता है ये भी लिख दे बता, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट होता है। हॉर्नबिल वहां एक पक्षी है, नागालैंड में एक आम पक्षी है हॉर्नबिल, ठीक है ना, पक्षी यानी बर्ड है वहां की हॉर्नबिल, ठीक है ना, तो उसी से ये नाम लिया गया फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्लियर हुई बात, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, नागालैंड में। ये इधर वाला जो होगा ये चपचारकर का, ठीक है, चपचारकूट का पिक्चर है और हॉर्नबिल का पिक्चर इधर वाला होगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। रमन त्रिपाठी क्या पूछ रहे हो बेटा, जीएस की बेस्ट है सर, क्या बता रहे हो, जीएस की बेस्ट है सर, रमन त्रिपाठी क्या जीएस की बेस्ट है, क्या पूछ रहे हो बता दो सर प्लीज, क्या बताना है बेटा रमन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है पंजाब में, सबको पता है आप लोगों को पंजाब में क्या चलता है भाई, पंजाब में तो लोहड़ी चलती है, फेमस है पंजाब का त्योहार लोहड़ी, पंजाब में है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा आपको, लोहड़ी पंजाब में चलती है, लोहड़ी का त्योहार। अच्छा बताओ जरा, कमेंट करके बताओ ये लोहड़ी का त्योहार कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करो जरा, ये लोहड़ी का त्योहार कब मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करो। हाँ रमन प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा बेटा, अभी पहले इसको तो पढ़ो, प्रैक्टिस सेट तो होता ही है बाद में, प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा और उसमें करंट अफेयर भी रहेगा सोनू, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे सोनू, चिंता मत करो यार, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, जो हमारे अभी 7 मॉक टेस्ट होने वाले हैं उसमें भी करंट में मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें आप। हाँ फेस्टिवल कब, जनवरी, यस जनवरी में मनाया जाता भाई, विंटर सीजन, ठीक है, तो लोहरी हो गया कहां का बेटा, पंजाब का, यहां पे आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान में लिखा हो गंगौर, गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है, गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में, ठीक है ना, गंगौर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। जब बसंत ऋतु आती है यानी जो होली होती है ना बेटा, होली के दूसरे दिन से ये फेस्टिवल शुरू होता है, होली के दूसरे दिन से, सेकंड डे से ये फेस्टिवल शुरू होता है, कौन सा वाला, गंगौर, ठीक है, गंगौर फेस्टिवल होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और कितने दिन तक चलता है ये, 18 दिन तक चलता है, कहां, राजस्थान में, ठीक है। बसंत जो ऋतु आती है, बसंत ऋतु के उपलक्ष में ये सेलिब्रेट होता है, होली के दूसरे दिन से शुरू होता है और 18 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है, ठीक है ना, गंगौर। अगर कोई राजस्थान से देख रहा होगा या राजस्थान से कोई बच्चा होगा तो उसे ज्यादा पता होगा, जितना मुझे आता था मैंने बता दिया, क्योंकि मैं राजस्थान से भाई बिलोंग नहीं करता, पहली बात तो ये, तो जितना मेरे नॉलेज की बात थी मैंने बता दी। अच्छा अंगद यादव, मैं लास्ट 2019 का स्टूडेंट हूँ सर, आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हो, ओनली टू डेज ही क्यों? अंगद मैं पहले बता दूं बेटा कि मैं डेली क्यों नहीं लेता, 2 ही दिन क्यों लेता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, जितना मेरे को कहा जाता है मैं उतना करता हूँ, ठीक है, बाद बाकी पूरे हफ्ते क्यों नहीं होती, नहीं होती है, इससे आपको भी कोई सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, आप भी इसको सोचे ना, ठीक है।
क्योंकि आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है, पहली बात तो ये है बेटा, ठीक है। जितना आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास की टाइमिंग सही है, अगर अदरवाइज लगेगा कि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा तो मैं करूंगा बाद में कुछ ना कुछ कोशिश, चिंता मत करो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहां पर सिक्किम में सागा दवा सिक्किम में इंपॉर्टेंट त्योहार है, सागा दवा सिक्किम का इंपॉर्टेंट त्योहार है, ये देख रहे होंगे आप इधर, सागा दवा सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है सागा दवा, ठीक है ना। और एक प्रकार से ये त्योहार तिब्बतन त्योहार है, सागा दवा कहां चलता है, सिक्किम में चलता है, तिब्बतन त्योहार है एक प्रकार से, ठीक है ना। और नीचे लिखा हुआ तमिलनाडु, सबसे इंपॉर्टेंट तमिलनाडु का पोंगल, यहां से क्वेश्चन आता है तमिलनाडु का है पोंगल, ठीक है। ये पोंगल बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है पोंगल, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल है, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, इस पोंगल में गुड़ और चावल होते हैं ना, जो गुड़ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और सूर्य देव को जो है चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। गुड़ और चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और किसको चढ़ाए जाते हैं, सूर्य देव को चढ़ाए जाते हैं, दिख रहे होंगे आपको यहां पर। और ये होता है 14 से 15 जनवरी को, 14 से 15 जनवरी में ये त्योहार होता है पोंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग कब रीओपन होगी रोहित? आपको मैंने बता दिया कि कोचिंग जैसे ही गाइडलाइन अभी 15 के बाद रीओपन की बात चल रही है तो 15 के बाद शुरू हो जाएगी, अगर वही सेम एज इट इज गाइडलाइन रहती है तो। क्लियर? पॉसिबिलिटी यही है कि 15 के बाद रीओपन हो जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, उत्तर प्रदेश में फेमस होती है, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार फेमस है? नवरात्रि का त्योहार उत्तर प्रदेश में फेमस है, उत्तर प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार फेमस है। हां, काओ को खिलाते हैं सोनू, उत्तर प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार फेमस है। और उत्तराखंड में याद रखेंगे गंगा दशहरा बहुत फेमस है, गंगा दशहरा, गंगा जी को आरती लगाई जा रही है, गंगा दशहरा उत्तराखंड में बहुत फेमस है और उत्तर प्रदेश में नवरात्रि का त्योहार फेमस है, ठीक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा, बाद बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बोलेगा कि गंगा जो दशहरा है वो किस स्टेट का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है या फेमस फेस्टिवल है, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से बताना है, एक ऑप्शन में उत्तराखंड भी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको सबको पता होना चाहिए दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल में दिखाई दे रहा है दुर्गा पूजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां का फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। हां, 9 डेज तक चलता है शिवम, ठीक है। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में है और मणिपुर में लिखा हुआ है योसांग, योसांग फेस्टिवल मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, योसांग, योसांग फेस्टिवल मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है योसांग, ठीक है ना। और ये फरवरी माह में सेलिब्रेट होता है, फरवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है योसांग को। क्लियर? योसांग फेस्टिवल फरवरी माह में सेलिब्रेट होता है, राख वगैरह जो है लोग अपने मस्तिष्क में लगाते हैं इस सेलिब्रेशन के दौरान जब ये योसांग फेस्टिवल चलता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट लिखा है उड़ीसा, उड़ीसा में लिखा हुआ है राजा प्रभा उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, राजा प्रभा, ठीक है, राजा प्रभा उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, राजा प्रभा उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, याद रखेंगे इस चीज को, राजा प्रभा उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है। क्लियर? इतना याद रखेंगे, राजा प्रभा यहां का फेमस फेस्टिवल है। और नीचे लिखा हुआ तेलंगाना, तेलंगाना में भोनालू, तेलंगाना का जो है क्या है बेटा, भोनालू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, भोनालू, तेलंगाना में भोनालू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्लियर? तेलंगाना में भोनालू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है ना,
तेलंगाना में भोनालू बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखेंगे इस चीज को, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, जस्ट मिनट वेट करेंगे आप लोग। ये हो गया भोनालू, याद रखेंगे तेलंगाना का भोनालू है, और ऊपर लिखा हुआ है राजप्रभा कहां का है, उड़ीसा का, तेलंगाना का क्या है, भोनालू। नेक्स्ट, चलिए इतने फेस्टिवल है, आजिए भाई सारे के सारे आगे शुरू करते हैं। टुडे माय फर्स्ट क्लास इंडून डिफेंस एकेडमी, अच्छा लगा और भी क्लास लेकर, वेरी गुड बेटा प्रियांशु, वेलकम है आपका, पहले ही मैंने वेलकम कर दिया था। ऑनलाइन क्लास कितने दिन तक चलेगी सर? चलती रहेगी बेटा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, करंट अफेयर भी कराऊंगा भाई, चिंता मत करो। अच्छा यहां तक कर दिया था भाई, उड़ीसा का राजप्रभा मैंने बता दिया, तेलंगाना भोनालू, यहां तक हो गया। ये भोनालू जो होता है, एक चीज और याद रखेंगे, भोनालू में ये कब होता है, ये जुलाई में सेलिब्रेट होता है, जुलाई में, ठीक है। महाकाली की इसमें पूजा अर्चना की जाती है, महाकाली की, महाकाली की इसमें पूजा अर्चना की जाती है। और ये राजप्रभा जो है ये जून में सेलिब्रेट होता है, कब, जून में, ये जून में होता है, 15 से 18 जून के बीच में जो है, लगभग तीन दिन तक चलता है, 15 टू 18 जून तक चलता है ये। हाँ सौरभ, सौरभ बाद बाकी जितने बचे हैं ना, क्योंकि सारा का सारा पॉसिबल नहीं करवाना, जितने बचे हैं बेटा मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, फिर भी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ओके क्लियर, फिर भी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, इतना ध्यान रखना। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, एक बार कमेंट करो, फिर आगे प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जल्दी से। अंगद यादव करवा दूंगा यार, चिंता मत करो, अक्टूबर महीने तक खत्म हो जाएगा क्या, कोशिश मेरी रहेगी, बाद बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं करवा ही दूंगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए, जब जब क्लास होती है भाई आपका एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। इतना समझ में आया, जल्दी से क्विक एक बार फास्ट कमेंट करो जरा, जल्दी से भाई, एनर्जी होनी चाहिए, जल्दी से। पीडीएफ कहां से मिलेगा रोहित? मैंने अभी बोला यार, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, पीडीएफ अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। यस सर, वेरी गुड, कंप्लीट सर। चलिए करें स्टार्ट फिर प्रैक्टिस सेट, स्टार्ट करें प्रैक्टिस सेट, जल्दी से आंसर करो, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, जो इधर उधर भाग रखे हैं जल्दी से उनको बुला लो, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए जल्दी से बुला लो जो इधर उधर भाग रखे हैं, ठीक है। कहां से करूं सोनू? मैं बता रहा हूं कहां से करूं प्रैक्टिस सेट, मैं बता रहा हूं यहां से, ठीक है। जो लेफ्ट हो रखे हैं लाइव क्लास उनको जल्दी से जल्दी बुलाइए, आपका प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, ठीक है ना। आज हमारा प्रैक्टिस रहेगा प्रैक्टिस सेट 5, इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं, इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट होगा 5, ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट होगा बेटा 5। प्रैक्टिस सेट कहां से करूं सोनू बोल रहा है, अच्छा घर में कर रहा है सोनू, तो घर में कोई भी मार्केट से कोई भी बुक ले आओ, ठीक है ना, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आओ, सब सारे के सारे सही हैं। स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रैक्टिस सेट चलता होगा आपके यहाँ, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं ना, आप उसको प्रैक्टिस करें तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है, वहां से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर है, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर करो, जल्दी से,
जल्दी से आंसर करो। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? जल्दी से, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब घर में अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक, आंसर विल बी वी, यानी कहा है असम में है बेटा ये, ठीक है ना, असम में है। आंसर क्या होगा? असम में है। ठीक, एक चीज और याद रखेंगे यहां से, मणिपुर में एक और याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मणिपुर में एक नेशनल पार्क है केइबुल लैमजो, केइबुल लैमजो नेशनल पार्क। ठीक है, केइबुल लैमजो नेशनल पार्क है कहां? मणिपुर में। और गुजरात में याद रखेंगे, गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है गिर फॉरेस्ट। ठीक है ना, और यहां पर त्रिपुरा में एक याद रख सकते हैं, तो राजबरी है, राजबरी नाम से है, राजबरी। ठीक है, राजबरी नाम से त्रिपुरा में है, क्लियर। बट त्रिपुरा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो केइबुल लैमजो है और गिर फॉरेस्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। केइबुल लैमजो की एक खासियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये वर्ल्ड का ओनली वन फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क का मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां है? मणिपुर में, क्लियर। कहां है बेटा? मणिपुर में। और गुजरात का गिर फॉरेस्ट तो आपको पता ही है, ठीक है ना, गिर फॉरेस्ट तो आपको पता ही है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो इसका आंसर अभी पहले का क्या हो गया? बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1938। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कहां हुआ था? जल्दी से आंसर करो, न्यूयॉर्क हुआ था, ढाका में हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था, या न्यू दिल्ली में हुआ था? जल्दी से। हां शिवम, इंटरनेशनल पार्क इन मणिपुर, जल्दी से बताइए। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन द ईयर 1938। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कहां हुआ था? जल्दी से। सोनू का आंसर डी, सोनू का आंसर दिल्ली आ रहा है, यानी डी ऑप्शन बता रहा है। मनोज का आंसर ए आ रहा है, न्यूयॉर्क बताया जा रहा है। दीपक का आंसर, सागर का आंसर, दीपक का आंसर, और संतोष का आंसर, राजन का आंसर, संदीप का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाले जितने हैं बेटा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, आंसर विल बी सी, यानी हैमिल्टन। हैमिल्टन कहां है? हैमिल्टन है कनाडा में। कहां है? कनाडा। और कनाडा कहां है? कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर हुई बात? कनाडा है नॉर्थ अमेरिका में, 1930 में हुआ था, क्लियर। जबकि अगर एशियाई आपके खेल पूछेंगे, एशियाई खेल कहां हुए थे, तो एशियाई खेल हुए थे कहां? नई दिल्ली में। कब? 1951 में। फर्स्ट एशियाई खेल कहां हुए थे? न्यू दिल्ली 1951। ठीक है ना, जो एशियाई स्पोर्ट्स हुए थे, फर्स्ट एशियाई गेम्स हुए थे, एशियाई गेम्स फर्स्ट कहां हुए थे? फर्स्ट एशियाई गेम हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1951। ये भी याद रखना आपको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लिखा हुआ है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जल्दी से आंसर करो,
रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आंसर जल्दी से, क्विक। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। जल्दी से, काफी बच्चों का बहुत फास्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सबका आंसर लगभग सही है क्योंकि सब इसको जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, आंसर विल बी ए, विटामिन के। ठीक है ना, रक्त को जमा करने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? ठीक है ना, व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबिथू, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सर क्रिक। जल्दी से आंसर करो। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, पूर्वोत्तर बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है? किबिथू, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सर क्रिक। सारे बच्चों का आंसर बी है, एक बच्चे का आंसर, अंकित का भी आंसर बी नहीं, ए दिया अंकित ने, सोनू ने ए दिया है, बाद बाकी बी और सी पर ही लटके हैं, बाद बाकी बी और सी पे ही लटके हैं। यहां ध्यान से देखें जरा, यहां ध्यान से देखें, अगर थोड़ा समझ में आएगा तो ध्यान से देखें जरा। यहां ये मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, यहां पे ईस्ट और ये हो गया नीचे क्या, साउथ। तो बेटा यहां पे तो है इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल। यहां वाला जो नीचे वाला पॉइंट है ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या है, केप कोमोरिन, ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, केप कोमोरिन। ये है गुजरात, गुजरात में यहां पर क्या है, गौर माता, ठीक है, ये है गौर माता या गौर मौती भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बसता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है, किबिथू। तो पूर्वोत्तर पॉइंट की बात कर रहा है, पूर्वोत्तर में क्या आएगा, किबिथू, ठीक है ना। ईस्टर्न मोस्ट, वेस्ट की बात करेगा तो ग्वार मोती आएगा, सदन की बात करेगा तो केप कोमोरिन आएगा, नदन की बात करेगा तो इंदिरा कॉल आएगा। क्लियर? मेनलैंड की बात कर रहा हूं मैं, मेनलैंड की बात, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका कौन सा होगा बेटा, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। जल्दी से बताएं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, हिंदी वाले बैक्टीरिया जीवाणु, फंगस बोलते हैं कवक, हिंदी वाले फंगस को बोलते हैं कवक, और बैक्टीरिया हो गया जीवाणु, और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वायरस तो वायरस ही हुआ। बोलो जल्दी से आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। क्यों भाई, छोटी माता जो होता है चिकन फॉक्स किसके कारण होता है, किस कौन सा सूक्ष्म जीव होता है इसमें, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है या वायरस होता है? आंसर सबका ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी। किसका ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, बट इतना बोल दो ए बी सी वाले सारे के सारे गलत है, आंसर विल बी डी, वायरस होता है ये। क्लियर?
आंसर होगा डी, कृष्णपाल का आंसर सही है। बिल्कुल कृष्णपाल ने आंसर सही दिया, आंसर होगा डी, ठीक है ना। देशी बॉय का आंसर भी सही है भाई, देशी बॉय बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशियंट फेस्टिवल ऑफ लाई हारबोला, द एंशियंट फेस्टिवल ऑफ लाई हरोबा इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, अभी हाल ही में लाई हरोबा एक प्राचीन त्योहार किस राज्य में मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, लाई हरोबा फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया गया, जल्दी से। पहला है मेघालय, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है असम, जल्दी से बताएं। करंट का क्वेश्चन है भाई, रिसेंटली कहां सेलिब्रेट हुआ लाई हरोबा। हां भाई, वेरी गुड। चिकन पॉक्स क्या है भाई, दाने दाने हो जाते हैं ना आपके शरीर में अंगद यादव, दाने दाने से हो जाते हैं पूरे शरीर में। सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर विल बी सी, त्रिपुरा के अंदर अभी हाल ही में लाई हरोबा त्योहार मनाया गया था, जो एक क्या था, एंशियंट फेस्टिवल था, प्राचीन त्योहार है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव, जल्दी से बताएं, गुरु नानक देव का बर्थ इनमें से कहां हुआ था, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थान बताइए, करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, हरमंदिर साहिब, हेमकुंड साहिब, जल्दी से क्विक आंसर फास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव, निम्नलिखित में से गुरु नानक का जन्म स्थान था, करतारपुर, ननकाना, हरमंदिर, हेमकुंड, आंसर होगा जल्दी से बताएं। सेवन का ए सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन अंकित कुमार बोला है करतारपुर, काफी बच्चे करतारपुर पे अटके हैं भाई, वेरी गुड। विकास का आंसर सही है, संदीप आपका आंसर सही है, जो सात का ए बता रहे हैं, जो सेवन का ए बता रहे हैं ना, जो सेवन का ए बता रहे हैं, यहां ध्यान से देखेंगे, जो सेवन का ए बता रहे हैं वो गलत है, सेवन का ए जो बता रहे हैं वो गलत हैं, क्लियर, सेवन का जो ए बता रहे हैं गलत हैं वो लोग। आंसर विल बी बी, ननकाना साहिब, ठीक, ननकाना साहिब कब हुआ था, 1469 में, तलवंडी नाम सुना है, वर्तमान पाकिस्तान में, 1469 तलवंडी ननकाना साहिब, पंजाब प्रांत पाकिस्तान, क्लियर, आंसर बी होगा ननकाना साहिब, डी नहीं है बेटा, हेमकुंड उत्तराखंड में डी नहीं है, हरमंदिर साहिब पंजाब में है, वर्तमान पंजाब, अमृतसर जिसको बोला जाता है, ठीक है, और जो करतारपुर साहिब है बेटा, करतारपुर में उनकी डेथ हुई थी, ठीक, डेथ हुई थी कब, 1539 में, क्लियर, 1539 में उनकी डेथ हुई थी करतारपुर में, ठीक है। सी नहीं है भाई, हरमंदिर साहिब नहीं, बी आंसर बताया है, सी क्यों आंसर दे रहे हो निखिल, सी नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है, जल्दी से बताओ, कनाडा का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है,
आंसर करेंगे फास्ट। आंसर कबड्डी है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, आइस हॉकी कनाडा का। जल्दी से बताएं बच्चा। यस वेरी गुड, लगभग सारे के सारे स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। कनाडा का जो राष्ट्रीय आपका नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल गेम है, वो है आइस हॉकी। ठीक है ना, आइस हॉकी बिल्कुल सही है। तो कबड्डी कहां का होगा? कबड्डी कहां का होगा भाई? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का क्या है? कबड्डी। कबड्डी कहां का है? बांग्लादेश का। हॉकी कहां का है? इंडिया के साथ साथ कहां? पाकिस्तान का भी है। ठीक है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी है क्या हॉकी। टेबल टेनिस कहां का है? टेबल टेनिस होगा चाइना का। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद रखेंगे। कबड्डी बांग्लादेश हो गया, हॉकी इंडिया पाकिस्तान हो गया, टेबल टेनिस चाइना, और आइस हॉकी आपका कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर लिखा हुआ पर्सन, यानी पर्सन का नाम होगा, इधर उसका निकनेम है। समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी, एम के गांधी, फ्रंटियर गांधी। जल्दी से बताओ कौन सा गलत है। वेरी गुड, काफी बच्चों का सही आंसर है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन, बिल्कुल सही है पहला वाला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी है, बिल्कुल सही है। लेकिन एम के गांधी को फ्रंटियर गांधी नहीं कहते हैं, एम के गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपिता, बापू, बहुत कुछ कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है क्या कहा जाता है, जो पाकिस्तान के थे, मतलब पाकिस्तान के थे इस समय तो नहीं थे खैर, लेकिन पाकिस्तान के हैं ये, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है क्या? फ्रंटियर गांधी की। हां, हैप नेक्ड फकीर भी कहा जाता है अंकित। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। वहां पिछले क्वेश्चन में नॉट करेक्टली मैच्ड था, यहां पर करेक्टली मैच्ड है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इधर लिखा हुआ ट्रॉफी, इधर ट्रॉफी लिखा हुआ है, इधर गेम्स लिखा हुआ है। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है क्या? आगा खां फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी गोल्फ से है। राइडर कप हॉकी से है। कौन सही सुमेलित है इसमें, यह बताना आपको। जल्दी से बताएं, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, अगर है तो सही होना चाहिए, गलत है तो नहीं होना चाहिए। आगा खां फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी गोल्फ से है, राइडर कप हॉकी से है, क्या सही है ये? बिल्कुल, वेरी गुड। सोमेंद्र आपका आंसर गलत है बेटा, सोमेंद्र आपका आंसर गलत है। राकेश कुमार आपका आंसर भी गलत है, राकेश कुमार का आंसर भी गलत है बेटा। मनोज आपका आंसर गलत है, याद ध्यान से देखें।
दलीप जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही है, दलीप ट्रॉफी क्रिकेट में ही चलती है। आगा खां कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है, आगा खां कप किससे संबंधित होना चाहिए, हॉकी से। आगा खां कप किस में चलता है, हॉकी में, और उसके सामने क्या दे रखा है, फुटबॉल, फुटबॉल से नहीं है। संतोष ट्रॉफी गोल्फ में नहीं चलती है भाई, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, तो अगर फुटबॉल होता इसके सामने तो सही है, लेकिन गोल्फ दिया है। राइडर कप में हॉकी दे रखा है, जबकि राइडर कप किस में चलता है, गोल्फ में, ठीक है, तो ये इसके सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर विल बी ए, केवल फर्स्ट ऑप्शन मैच करके दे रखा है, बाद बाकी सारे इनकरेक्ट मैच्ड है, ठीक है ना, करेक्ट मैच नहीं है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, ए। क्लियर, क्लियर हुई बात। तो बेटा ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, डेली होगा ये प्रैक्टिस सेट, जब जब जीएस की क्लास होगी। बताइए अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, कुछ समझ में आया, अच्छा लगा भाई क्लास में, जो नए बच्चे आए आज मजा आया, एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, अगर अच्छा लगा तो भाई अपना प्रेजेंट जरूर लगा देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, डीडीए चैनल को। क्लियर, अपने दोस्तों को भी जोड़ो, जो भाई जिनको ये क्लास नहीं मिल पा रही है, जो बेचारे गांव में रहते हैं, जो कोचिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, क्लियर, उनको भी चैनल में जोड़ो, उनको भी बताओ, हो सकता है आपका भला करने से किसी और का भी भला हो जाए, है ना, और उसकी दुआएं आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, ठीक है, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, सेम टाइम 12 बजे, ठीक है ना, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, ठीक है ना, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, जय हिंद।